told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. 18th of May 2022, a trip to Mini Zoo and Park. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well and having a great day. So we are back with another video. Or title to aapne dekhi liya hoga. To ji haan, we are going to Mini Zoo and Park. Or on our way we thought of having some snacks. To bas wo lete hain aur bas hum jaate hain park. Aur ye Thanos ke snap se hum pahunch gaye park. ये देखा आपने. और ये हम आ गए हैं तालीमी बाग. अच्छा, तालीमी बाग देख के हमारे कराची में जो रह रहे हैं 90s के किड्स, उनको कुछ याद आ गया होगा आई वंडर, क्योंकि सब यहाँ जा चुके हैं अपने बचपन में. ऑफ कोर्स हम भी आए हैं और आज मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ. मतलब ये देखें आप, इसका जो सिलसिला चल रहा है वो शायद चलता रहेगा. नहीं और हम आ गए हैं तालीमी बाग. अच्छा, तालीमी बाग में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत कुछ नया आया है, तो वही हम लोग एक्सप्लोर करने आए हैं. तो देखते हैं क्या डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि अभी जब हम अंदर आ गए हैं तो ये जो हमारा पुराना कदीम जो ये लेक है, ये तो मुझे वैसा का वैसे ही लग रहा है, क्योंकि इसका पानी जो है आप देख सकते हैं, पता नहीं कौन से कलर का पानी है, लेकिन ये पानी के कलर का नहीं है बिल्कुल भी. लेकिन जो है ना, इसमें एक अप्रिशिएट करने वाली जगह जो है वो है जुरासिक वर्ल्ड. जी हाँ, जुरासिक वर्ल्ड के नाम से बच्चों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह बनाई है. तो वो अप्रिशिएट करने के लिए तो वो मैं बिल्कुल ही डिफरेंट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि उसमें जो है ना, उसमें तारीफ बनती है. तो वो तो इस वीडियो में नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी क्रिटिसिज्म होने वाली है. ये बिक गई है गवर्नमेंट. क्योंकि जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे तो मैं आपको और कुछ बहुत कुछ दिखाऊंगी, जो कि आपको भी लगेगा कि नहीं, बिल्कुल जो है इसकी मैनेजमेंट सही नहीं है. क्योंकि डेवलपमेंट करने की बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन जो मैनेजमेंट है ये पॉइंट भी नहीं है. क्योंकि आप देख सकते हैं, ये देखें आप पानी की हालत, और जो है ये बोर्ड की हालत देखें, ये किस स्पीड पे चल रही है. तो चलते हैं, आगे चलते हैं. अब्दुल्ला, आवाज़ आ रही है आपको? किसकी है? बुआ की आवाज़ है. हाउस ऑफ नन है. ओके, जो हम लोग आगे चलते हुए हमें ये मिल गया है हाउस ऑफ नन. अंदर जाने का बहुत दिल है, बट ऑफ कोर्स अगर हम दोनों अंदर चले गए तो बच्चों को कौन देखेगा. तो इसलिए वी आर स्किपिंग दिस प्लेस. बट अंदर नन है या नहीं है, या नन भी अंदर जो हो रहा होगा वो देख के उसको भी कुछ हार्ट अटैक टाइप हो सकता है. लेकिन बट स्टिल कोशिश अच्छी है, लग तो रहा है थोड़ा हॉरर सा, मज़े का, थ्रिलिंग सा लग रहा है. खैर, वी आर स्किपिंग दिस प्लेस एंड मूविंग फॉरवर्ड. फाइनली हम आ गए हैं मिनी ज़ू के पास, और अब इसके अंदर जाते हैं. पर हेड टिकट है 100 रुपीज़ अबव 1 ईयर ओल्ड, एंड वी आर इनसाइड दी ज़ू. अच्छा, पर हेड 100 रुपीज़ है, और 1 ईयर ओल्ड से ऊपर जो है ना 100 रुपीज़ पर हेड चार्ज हो रहे हैं. अच्छा, जो ज़ू की हालत है, नॉट गुड. मुझे एनिमल्स को देख के बहुत ज़्यादा ही इन पर अफसोस हो रहा था, बिकॉज इतनी गर्मी है और इतनी सी जगह पे एनिमल्स रखे हुए हैं. दैट आप लोग भी देखेंगे अगर आके, और अभी वीडियो में भी देखेंगे तो आप लोग को भी बहुत अफसोस होगा. और जो है इसकी सफाई बिल्कुल नहीं है सही, और ऊपर से इनके केजे सब कुछ टूटे हुए हैं, सब बहुत ही बुरी हालत में है. तो मैं ये बोल रही हूँ कि पर हेड 100 है, ऊपर से 1 ईयर ओल्ड अबव, ठीक है, 1 साल से बड़े बच्चे पे आप 100 रुपये ले रहे हैं. मतलब आपकी अच्छी खासी मुझे लगा कि यहाँ पे रेवेन्यू हो रहा है, क्योंकि मैंने लोग भी देखे हैं अच्छे खासे हैं, और अभी जितना इसका हाइप है तो लोग आ भी रहे हैं. तो बट आप इसकी मैनेजमेंट क्यों ऐसी है, मुझे ये समझ में नहीं आया. खैर, हम एनिमल्स देखते हैं. तो आपने देखा था, वी हैड डॉग्स एंड रैबिट्स, और उसके बाद स्नेक्स थे, पाइथन थे, और उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत तरह के एनिमल्स तो हैं. मतलब कलेक्शन अच्छी थी आई गेस एनिमल्स की, बट स्टिल एनिमल्स ज़्यादातर बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे. दे वर स्टिल,
क्योंकि पता नहीं उनको गर्मी बहुत लग रही है या खाने पीने का मसला है, आई डोंट नो, बट दे वर स्टिल और बहुत ही बुरी हालत में थे, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे क्योंकि गर्मी वैसे भी बहुत है और उसको इस तरह से उन्होंने पैक किया हुआ है और अंदर बिल्कुल कोई वेंटिलेशन या कोई उसकी हवा की कोई भी वो नहीं थी। तो फिर हमें जब इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी सी 10-15 मिनट में इतनी हमें हमारी हालत ख़राब हो गई थी और ऊपर से ज़ाहिर इतने एनिमल्स हैं और अगर आप वहाँ पे सफाई ना हो और कोई हवा का गुजर नहीं हो तो यू नो एक अजीब सी स्मेल भी थी, तो आई गेस के एनिमल्स भी बहुत परेशान थे। मतलब 15 मिनट में जब हम इतने परेशान थे तो पता नहीं एनिमल्स की क्या हालत हो रही होगी। खैर जो है मुझे बहुत अफसोस हुआ। और ये देखें आप, मतलब ये देखें आप, सबसे ज़्यादा जो था ना, ये जो बड़े एनिमल्स हैं इनकी मुझे बहुत हो रहा था क्योंकि ऑस्ट्रिच के साइज़ देखें और आप इनका केज देखें, मतलब इतनी सी जगह पे आपने इतने बड़े ऑस्ट्रिच को रख दिया कि इन लोग के पास शायद खड़े होने की भी जगह नहीं है और हमने कोई भी खड़े होते हुए इनको इतनी टाइम में नहीं देखा, 20 से 25 मिनट के दोनों में से कोई एक भी खड़ा हो जाता। सो मीनवाइल इस टाइम में हमने दोनों में से किसी को भी खड़ा होते हुए नहीं देखा और मुझे ऐसा फील हुआ कि ज़ाहिर है इनको वॉक करने की भी ज़रूरत होती है, ऊपर से इनकी खुद ही इतनी खाल और इतनी फर्ज होते हैं, वो इतने मोटे होते हैं तो इनको गर्मी कितनी लग रही होगी। बट स्टिल तो ये दो ऑस्ट्रिचेस भी थे वहाँ पे और बहुत गर्मी लग रही थी इनको, मतलब आप उसकी मुँह को देखो, उसको मुँह को देखो, उसको भी बहुत गर्मी लग रही है जैसे मुझे लग रही थी। ओके जी, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब ऑस्ट्रिच की जान छोड़ ही देते हैं बिचारी की। और ये देखें, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही थी कि कोई भी एनिमल मूव नहीं कर रहा है, देखें ये भी मूव नहीं कर रहा है और इसके बारे में कुछ लिखा हुआ भी नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मतलब कौन सा जानवर है, आई हैव नो आइडिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से किस तरह बैठा हुआ है तो मतलब कुछ शक्ल वक्ल दिखाए तो समझ में भी आए। खैर मैं ऐसे ही नहीं बोल रही थी और ये देखें आप किस तरह से वो बैठा हुआ है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। और ये देखें ये पीकॉक की क्या हालत हो रही है, इतने छोटे से इसको पिंजरे में रखा हुआ है और इसके फेदर्स और इसके सारे परवर की क्या हालत है, बट सैडली ऊपर से अकेली है एंड आई हैव नो आइडिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है और इस तरह से एनिमल्स को क्यों रखा हुआ है और कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है, ये भी देखना चाहिए कि चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है। और ये देखें यहाँ पर ये है क्या बोलते हैं टर्की है एंड मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे बहुत सारे किस्म की डक्स हैं एंड टर्कीज थी और जो है चिकन्स भी थी तो सबको एक साथ इतनी सी जगह पे रखा हुआ है। फ्लैमिंगोज भी हैं, ये बेचारी फ्लैमिंगोज तो बेचारी पानी से ही बाहर नहीं निकल रही थी बिकॉज ऑफ कोर्स इनको पानी वैसे भी पसंद होता है और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है तो इतने से पानी में बेचारी का क्या बनेगा, बट स्टिल ये फ्लैमिंगोज पानी से बाहर नहीं निकल रही थी बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत सी ये सारी एक साथ जो है ये बर्ड्स लग रही थी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लग रही थी। और बट स्टिल जो है इनकी जगह बहुत कम थी, अगर इनको अच्छे से जगह दी जाती और थोड़ा अच्छा माहौल दिया जाता, ऑफकोर्स ये तो ग्रीनरी पसंद करती हैं, छोटी सी लेक हो इस तरह से इनको अच्छे से वो दिया जाता तो कितना अच्छा लगता और इनकी भी ये भी खुश होती हैं और इनकी भी फिर हम कुछ देखते हैं। मतलब सारी जो है ना एनिमल्स बहुत ही अफसरदा और बहुत ही बेचारे उसमें रख रहे थे, तकलीफ़ में लग रहे थे। और ये देखें यहाँ पे फाइंडिंग नीमो वाली बर्ड भी है, कितनी ये नायाब सी बर्ड है, ये वही है फाइंडिंग नीमो वाली बर्ड। यस यस यस, वी हैव गॉट अ लिटिल स्मॉल एलिगेटर एज वेल और ये भी बेचारा पानी से बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा था ऑफकोर्स गर्मी की वजह से और इसको तो बिल्कुल ही एक शीशे के उसमें रखा हुआ था और अंदर कितनी गर्मी हो गया आई हैव नो आइडिया, लेकिन पानी भी बिल्कुल इसका सूख गया है, इसमें पानी ही डाल दें। और आप देख सकते हैं मतलब इस तरह से एक छोटे से एलिगेटर को रखा हुआ है जिसकी हालत बहुत ख़राब है और ये भी बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, मतलब थोड़ा सा ही कोई कुछ तो मूव करके दिखा दे लेकिन नो, इट वाज आल्सो नॉट मूविंग एट ऑल सैडली। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी हैव गॉट मोर एनिमल्स हेयर। उसके बाद हमारे पास ये देखें ये है डेयर, यस छोटा सा डेयर है और ये भी बस बैठ के जो है ना अपना मुंह चला रहा था और पता नहीं किसको क्या बोल रहा था किसको क्या क्या बद्दुआ दे रहा था, नो आइडिया। तो इसकी भी हालत बहुत ख़राब ही लग रही थी, ये भी खड़ा नहीं हुआ, इसने भी हमें कुछ भी नहीं दिखाया, बस ये बैठा रहा और हम इसको देखते रहे। और लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी हैव गॉट
और इसके बिल्कुल बराबर वाले पिंजरे में वी हैव गॉट वाइट डेयर एस वेल। यस, ये नायाब सा वाइट डेयर भी था, लेकिन ये भी सिर्फ बैठा रहा और पता नहीं क्या सोच रहा था। और उसके बाद भी हैड दीज टू पीकॉक्स, दीज ब्यूटिफुल पीकॉक, और इसमें से एक वाइट पीकॉक भी है, लेकिन इनके जो पर देख के मुझे इतना अफसोस हुआ, मतलब आप खुद देखें, मतलब और ऊपर से इनको जगह इतनी कम दी हुई है कि ये ऐसे ही मुड़ते हैं या चलते हैं, तो इनके तो पर ऐसे ही टकरा टकरा के बेचारे टूट रहे हैं, और मुझे बहुत अफसोस हुआ। मतलब इतने खूबसूरत ये जानवर है, इतने खूबसूरत इसके पर होते हैं, और इसको खुश रखें तो ये डांस भी करते हैं, खुशी भी जाहिर करते हैं, बट ऑफ कोर्स ये खुशी नहीं थे तो ये क्या, कुछ भी नहीं दिखाया, नथिंग, कोई मज़ा नहीं आया मतलब। और हमारे पास माउंटेन शीप भी थी, और मुझे माउंटेन शीप को देख के बहुत वो हो रहा था कि ये तो गर्मी इतनी है, ये तो ठंड में रहते हैं, और ऊपर से इनका जो है इतनी खाल इतनी मोटी है, पता नहीं ये बेचारा कैसे था। और वी हैव गॉट अ लिटिल एक्वेरियम एज वेल, उसमें बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत फिशेस भी थीं, बहुत नायाब किस्म की फिशेस थीं, एज़ यू कैन सी, ये देखें ये कितनी अलग सी फिशेस हैं, बट स्टिल जो है एक्वेरियम की हालत तो वैसे अच्छी थी। ये फिशेस जो थी इन्होंने अच्छे से रखी हुई थी, मतलब कि फ़िल्टर भी काम कर रहा था, और एवरीथिंग वाज वर्किंग इन इट्स वर्किंग कंडीशन, तो आई गॉट हैप्पी। ऊपर से वी हैव गॉट सो क्यूट टर्टल्स एज वेल, तो प्यारे प्यारे इतने सारे टर्टल्स भी थे, एंड दे वर इन द एक्वेरियम एज यू कैन सी, और कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। सो ये देख के चलो अच्छा लगा कि चलो एक्वेरियम और जो है ना एटलीस्ट मरीन लाइफ का अच्छे से इन लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है, उसका ख्याल भी रखा हुआ है, सो दैट्स समथिंग नाइस टू सी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल पैरेट एज वेल, और ये खूबसूरत सा पैरेट भी देखा हमें एक पिंजरे में, और ये बहुत गुस्से में लग रहा है मुझे, मर्ची दिखा रहा है और गुस्सा दिखा रहा है सिर्फ क्या। ओके जी, सो वी आर फाइनली आउट फ्रॉम दैट मिनी ज़ू, और आपको दिखा दिया मैंने सारा व्यू, तो आप बताइएगा कि क्या मैनेजमेंट सही है, किस तरह से रखा हुआ है, और आपके क्या व्यूज़ हैं, बिकॉज़ मुझे तो बहुत अफसोस हुआ उन पे। और उसके बाद वी आर मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे एक छोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क भी है, और साथ में यहाँ पे हैं झूले, जंपिंग कैसल्स, और सॉफ्ट प्ले एरिया फॉर किड्स, and let's take a ride. Okay ji, so kids are ready for their ride, aur bas ye jhula hone wala hai start, and let's go. Wow. सही है, सही है। ओके गाइस, सो राइड्स एंजॉय कर ली थी, और उसके बाद हम गए थे जुरैसिक पार्क। यस, उसके बाद वी मूव टू जुरैसिक पार्क, और बहुत मज़ा आया वहाँ पे। आई कांट वेट टू शेयर द एक्सपीरियंस विद यू गाइस, बट मैंने एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने उसको बिल्कुल अलग वीडियो के लिए रखा है, क्योंकि वो जगह बहुत ही अच्छी थी और उसको अप्रिशिएट करना बनता है, तो उसको मैं बिल्कुल अलग वीडियो में दिखाऊँगी, बट बहुत मज़ा आया वहाँ पे। एंड देन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट अब्दुल्ला हमें ले आए हैं या सॉफ्ट प्ले एरिया में, और यहाँ पे ये कब से आना चाह रहे थे, तो फाइनली ही इज़ एयर, बट सैडली एंड बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना है कि इतने सारे यहाँ पे बेचारे बच्चे हैं, छोटा सा एक एरिया बनाया हुआ है, कंटेनर के अंदर एरिया बनाया हुआ है, बट बहुत गर्मी है, लाइक बहुत गर्मी है, सिर्फ एक फ़ैन है और एक एसी लगा हुआ है, लेकिन वो एसी काम नहीं कर रहा है बिल्कुल, और बहुत गर्मी है, लाइक बहुत ज़्यादा ही अभी यहाँ पे गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी तो मुझे ज़ू में भी नहीं लगी जितनी गर्मी यहाँ पे लग रही है, ऊपर से यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस बैड कंडीशन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, किड्स आर एंजॉयिंग।
भाई नहीं, बहुत गर्मी थी और बहुत हालत ख़राब हो गई थी। अब्दुल्ला को भी बहुत गर्मी लग रही थी, तो वी आर आउट नाउ। और ये देखें, ये स्लाइड जो भी यहाँ पे आए होंगे पहले, बहुत पहले भी बचपन में भी उनने पहचान ली होगी। और ये स्लाइड कितनी पुरानी है, बट स्टिल ये एग्जिस्टेंस में है और ये सही सलामत है, सो गुड टू सी दैट। और हमने बोला कि एक स्लाइड तो बनती है, तो बस यू कैन सी दैट अप देयर स्लाइड करने चले गए हैं ये तीनों। एंड नाउ लेट्स सी देम स्लाइडिंग। बेटा हट जाओ। चलो आयशा। बैठो अब्दुल्ला। ओके जी, सो दैट्स द लास्ट एक्टिविटी दैट दे आर डूइंग राइट नाउ, बिकॉज बहुत थक गए हैं और अब कुछ नहीं क्योंकि बहुत भूख भी लगी रही है। तो वी विल बी गोइंग फॉर डिनर अब, एंड दैट्स इट। सो आई होप यू लाइक द व्लॉग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू लाइक कमेंट शेयर। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप कभी भी तालीमी बाग आए हैं, क्या बचपन में आए हैं या अभी रिसेंटली आए हैं। एंड दैट वॉज ऑल। आई होप यू लाइक द व्लॉग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी भी इतनी बार कहने के बावजूद अगर किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप व्लॉग्स देख सकें। और जुरैसिक वर्ल्ड का भी बहुत जल्दी व्लॉग आ जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको पता चिल जाए कब व्लॉग आया है। एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम।